pumps. Vapor pressure of a liquid in solution is directly proportional to its mole fraction. Directly proportional to its mole fraction. क्या मीनिंग है इसका? एक लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन सॉल्यूशन को किससे प्रेजेंट किया था हमने? पी. पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई. अगर ये लिक्विड ए है तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई. और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के क्या लगाया जाएगा? पी ए नॉट और ये काई ए. तो ये बन गया फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हाउ टू फाइंड प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन इट्स सॉल्यूशन. प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ए इन इट्स सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू काई ए. या फिर आप ये कह सकते हैं प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन इट्स सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट. तो ये पी ए नॉट क्या, पी ए क्या है यहां पर? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन. पी ए नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड. यही तो है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए. काई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. तो जब आपने ए का एक लिक्विड ए का सॉल्यूशन बना दिया बी के साथ, अगर आपने सिर्फ ए लिया था तो उस टाइम जो वेपर प्रेशर था वो क्या था? पी ए नॉट. अब जब आपने सॉल्यूशन बना दिया तो ए का जो प्रेशर है वो क्या है? पी ए. पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट फाइव है. ये राउल्स लॉ का फॉर्मूला हो गया. तो राउल्स लॉ ने ये बता दिया कि किसी लिक्विड का उसके सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा. अच्छा अब आप मुझे बताइए बी का क्या कोई प्रेशर होगा अगर बी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है? नो. बी का कोई प्रेशर नहीं होगा अगर वो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है. ए का वेपर प्रेशर होगा सिर्फ क्योंकि वो लिक्विड है. ठीक है, तो ये राउल्स लॉ का फॉर्मूला. अब राउल्स लॉ की दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस में राउल्स लॉ को स्टडी किया जाएगा. टू कंडीशंस. क्या कंडीशंस है? फर्स्ट कंडीशन है टू लिक्विड्स, टू वॉलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी आर मिक्स्ड. पहला जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं वो हम कैसे बना रहे हैं? अब की बार हमने ये कंडीशन ली है ए और बी दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं. अब पी ए किसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ? पी ए नॉट काई ए. पी बी किसके इक्वल होगा? पी बी नॉट काई बी. बोलिए यहां पर पी ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन. पी ए नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए. काई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. सेम वे पी बी क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन. पी बी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी. काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. ठीक है, तो ये दो आ गए आपके पास पी ए और पी बी. जब आपने ए और बी को मिक्स किया और ए और बी दोनों वॉलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल पी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. और पी और पी बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी. तो ये आ गया आपका फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा. कब यूज होगा ये फॉर्मूला? जब ए और बी दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स होंगे. अंडरस्टूड? प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा, प्योर बी का भी वेपर प्रेशर गिवन है. मोल्स ए के पता है, सपोज आपको मोल्स बी के भी पता है. काई ए और काई बी निकाल कर निकाल तो टोटल भी आ जाएगा. ठीक है, तो राउल्स लॉ को हमने अप्लाई कर दिया. इसमें एक पहली कंडीशन लगाई जब दोनों लिक्विड्स वॉलेटाइल है. ठीक है, ध्यान से देख लीजिए एक बार. अब हम नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं. देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करी हमने, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ये. अभी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तक नहीं पहुंचे हैं, अभी हम उसके टॉपिक को पढ़ रहे हैं, सिर्फ वेपर प्रेशर को पढ़ रहे हैं अभी हम. ठीक है, अब हम सेकेंड कंडीशन लगाते हैं.
सेकेंड कंडीशन राउंड्स लॉ को सेकेंड कंडीशन में स्टडी करते हैं. क्या है सेकेंड कंडीशन? वॉलेटाइल लिक्विड ए इज मिक्स विथ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट बी. अब की बार उसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल दिया. वॉलेटाइल लिक्विड ए इज मिक्स विथ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट बी. ठीक है, कर दिया मिक्स. अब देखिए ए लिक्विड उसमें डाल दिया बी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. अब बताइए पी जो पी टोटल है वो इस टाइम किस पर डिपेंड करेगा? पी टोटल ए के प्रेशर पे या बी का भी कोई प्रेशर होगा? बी का प्रेशर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी क्या है? नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. तो इस पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर यानी कि सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है आपकी बात? पी ए पे. सो पी टोटल इज पी ए. आप लिख सकते हैं पी इक्वल्स टू पी ए एक तरीके से. ठीक है, अब पी ए क्या है अकॉर्डिंग टू राउंड्स लॉ? अभी हमने पढ़ा पी ए नॉट काई ए. ठीक है, काई ए प्लस काई बी वन होता है. आपको ऑलरेडी पता है, वी ऑलरेडी नो काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू वन. तो आप यहां लिख सकते हैं काई ए की जगह वन माइनस काई बी. ये यूज कर दिया फॉर्मूला यहां पर. ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर दीजिए बस. पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल्स टू वन माइनस काई बी. अगेन फिर से थोड़ा सा एडजस्ट करो इसे. काई बी इधर हो वन माइनस पी अपॉन पी ए नॉट. ठीक है, इसे इस तरीके से लिख लो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू काई बी. मैंने ए हटा दिया है, वो तो ए तो मैं एक लिक्विड के लिए स्पेसिफाई कर रही थी. ठीक है ना, इसी को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया. इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूं पी नॉट माइनस पी की जगह डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू काई बी. ये आ गया आपका नेक्स्ट फॉर्मूला. ये फॉर्मूला आप कब अप्लाई करेंगे? जब एक वॉलेटाइल लिक्विड में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट आ रहा है. आगे बात समझ में? डेल्टा पी क्या है यहां पर? डेल्टा पी को बोला जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. खाली डेल्टा पी, डेल्टा पी है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. क्योंकि पी नॉट ज्यादा था, पी कम हुआ, तो कितने फैक्टर से कम हुआ? मान लो इनिशियली लिक्विड का वेपर प्रेशर था 700 mm, बाद में हो गया 500 mm, तो 200 mm क्या है डेल्टा पी? 200 mm. इतने उससे कम हो गया वो इतने फैक्टर से. अब जब आप किसी चीज को इनिशियल से डिवाइड कर देते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? उसे रिलेटिवली निकाल रहे होते हैं. ये बात तो आपको पता है, जब आप किसी भी फैक्टर को इनिशियल वाले फैक्टर से डिवाइड कर दो तो यानी कि आप उसे रिलेटिवली स्टडी कर रहे हो. तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट को हम क्या बोलेंगे? खाली डेल्टा पी को तो हमने क्या बोला? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. और डेल्टा पी अपॉन पी नॉट को हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ गई है? काई बी. काई बी क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. तो इस डेरिवेशन के बाद आप ये प्रूव कर सकते हैं दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल या इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. देखिए टाइप बी क्या है? बी. बी बच्चों क्या है? हम स्टार्टिंग से क्या पढ़ रहे हैं? बी क्या है? सोल्यूट. तो टाइप बी क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. तो अब आपका फॉर्मूला आ गया पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. तो पहले हमने क्या पढ़ा? वेपर प्रेशर पढ़ा. फिर हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा, वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला पढ़ा उसके थ्रू. और अब हमने पढ़ लिया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू काई बी. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, ये बात हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके बाद वाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखिए क्या आंसर होगा.
relative lowering of vapor pressure is a colligative property because it depends on mole fraction of solute. And mole fraction किस पर depend करता है? Number of moles पे. तो यही तो colligative property है जो सिर्फ number of moles पर depend करती है. तो एक और चीज़ है बच्चों आपको ध्यान रखनी है. एक तो है खाली vapor pressure PNO, एक है P, एक है डेल्टा P और अब एक आया है डेल्टा P में bond P not. ये तीनों colligative property नहीं है, सिर्फ ये है colligative property. तो ये क्वेश्चन भी मतलब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. विच वन इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. फिर से देखिए ना हमसे ये कंडीशन से प्रूव हुआ है ये बात. ये सेकेंड कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था, एक लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया. तो अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि बी का तो कोई प्रेशर ही नहीं है. तो पी को सो पी ए, पी ए की जगह रख दिया पी ए नॉट का ये, का ये की जगह रख दिया वन माइनस का ए बी. बस इसे सिंप्लीफाई कर लिया, लास्ट में आ गया क्या. अंडरस्टूड? ध्यान से देख लीजिए एक बार. ठीक है, सो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अब हम ये जो लास्ट हमारा फॉर्मूला आया है इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे. प्लस पी बी नॉट का ए बी. दूसरा फॉर्मूला अभी आया डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू का ए बी. इस फॉर्मूले को हम आगे और एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंडिंग दिस फॉर्मूला. कैसे एक्सपैंड करेंगे? का ए बी की जगह रख दो तुम, का ए बी क्या होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. एन क्या है? मोल्स. मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, डब्ल्यू बी अपॉन एन बी, डब्ल्यू ए अपॉन एन ए. ठीक है, याद है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इसके इक्वल. सिंप्लीफाई कर रही हूं सिर्फ मैं, मोल्स की जगह उसका फॉर्मूला बन गया. इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को रेसिप्रोकेट कर दो, पूरी इक्वेशन पलट दो, ये हो जाएगा पी नॉट अपॉन डेल्टा पी, ये हो जाएगा in
डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में सिर्फ क्लिक करना, यानी कि यहां से एनबी को निगलेक्ट कर दो, निगलेक्ट एनबी इन डिनोमिनेटर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखो, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एनबी अपॉन एनए, इसे निगलेक्ट कर दिया बच्चों, देखिए याद है फॉर्मूला, फिर से इसको एक्सपेंड कर लो, एनए की जगह डब्ल्यू ए अपॉन एनए, तो अब फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए एम बी, अब ये फॉर्मूला बन गया, एक ये फॉर्मूला आया था आपके पास, एक ये आया था आगे ये फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला आया था पेरिस्टेक पे, और अब जो ये फॉर्मूला आ रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये फॉर्मूला तो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट है जो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे अप्लाई होता है, दोनों फॉर्मूले रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के फॉर्मूले हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्ट है जो हर सॉल्यूशन पे अप्लाई हो सकता है, ये फॉर्मूला सिर्फ तब अप्लाई होगा जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, लेस देन 5%, ठीक है, लेस देन 5% पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और वैसे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अब देखिए ध्यान से, हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले हमने पढ़ा वेपर प्रेशर क्या है, फिर हमने पढ़ा वेपर प्रेशर एक प्योर लिक्विड का कैसे प्रेजेंट होता है, पी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन किससे प्रेजेंट होता है, पी, राउल्स लॉ ने क्या कहा, पी इक्वल्स टू पी नॉट का ही, राउल्स ने कहा पी इक्वल्स टू पी नॉट का ही, ठीक है, फिर हमने पढ़ा अगर दोनों वॉलेटाइल है तो वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला पीए प्लस पीबी, पीए की जगह पीए नॉट का ही है, पीबी की जगह पीबी नॉट का ही, फिर हमने पढ़ा अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जाता है तो लोअरिंग आ जाती है, लोअरिंग किसके इक्वल है, पी नॉट माइनस पी, और रिलेटिव लोअरिंग किसके इक्वल है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, जो किसके इक्वल आ गया, काईबी, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसे उल्टा कर दो और इसे लिख दो वन प्लस डब्ल्यू ए एम बी डब्ल्यू बी एम ए, और फिर हमने पढ़ा अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तब क्या फॉर्मूला यूज होगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू बी एम ए डब्ल्यू ए एम बी, तो ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में पढ़ ली, आप ध्यान से देखिए जरा इसे, इन दोनों फॉर्मूलेस को याद रखने का क्या तरीका है, अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला याद रखो पहले तो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट लिख दो, इधर इधर क्या लिखो, बी ऊपर रखना है डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी ऊपर रखना है, जब डब्ल्यू बी है तो उसके साथ एन ए, नीचे डब्ल्यू ए तो उसके साथ एन बी है, और जो दूसरा वाला फॉर्मूला है उसमें इसे भी उल्टा कर दो इसे भी उल्टा कर दो, ये मैं आपको याद रखने वाली बात बता रही हूं कैसे करना है, इसे भी उल्टा कर दो इसे भी उल्टा कर दो, ठीक है, तो ये हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली वेपर प्रेशर पर, ठीक है, अब आप इसके क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, एक तो एक क्वेश्चन में जो भी मैं आप लोगों को ये वीडियोस भेज रही हूँ, आप लोग कितना रेगुलरली उसे पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता, आपको ये सब बहुत रेगुलरली पढ़ना चाहिए बच्चों, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हो ऐसी कंडीशन है कि अभी भी बहुत दिन तक ये लॉकडाउन नहीं खुलेगा शायद, आपको इन्हीं स्टडीज को अपनी रेगुलर स्टडीज मानना होगा, मैं आपको डेली ये बात बोल रही हूँ, अगर आप इसे अपनी रेगुलर स्टडीज की तरह कंसिडर नहीं करोगे, नहीं वैल्यू दोगे, नहीं टाइम दोगे, तो ये आपका ही नुकसान है, ठीक है, आपको इसे रेगुलरली पढ़ना है, नोट्स रेगुलरली लिखने हैं, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, कल दो तीन बच्चों की प्रॉब्लम्स आई थी सर, बाकी ने करा नहीं करा मुझे नहीं पता, एक कॉमन प्रॉब्लम है जो अदिति ने भी पूछी थी, वो और भी बच्चों ने एक दो ने पूछी है, वो मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करती हूँ, देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए बच्चों एक ये क्वेश्चन है जो कॉमन प्रॉब्लम थी कि 1 ग्राम मिक्सचर दिया हुआ है इन दोनों का, इक्यूमोलर मिक्सचर है, एचसीएल इसे न्यूट्रलाइज
पोलराइज कर रहा है, कितना पोलराइज है, कितनी वॉल्यूम लगेगी ये बता रहा है। आपको क्या करना है मैं आपको समझाती हूँ, आप करके देखिएगा, वैसे आपकी बुक में सॉल्व है, समझा देती हूँ मैं आपको। आप सपोज कर लो इसमें से एक चीज का वेट है लेट सोडियम कार्बोनेट एक्स है, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा वन माइनस एक्स, ठीक है। दोनों के मोल्स निकाल लो, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट है 106 और इसका है 84, तो मोल्स हो गए, एक के मोल्स तो हो गए एक्स अपॉन 106, दूसरे के मोल्स हो गए 1 माइनस एक्स अपॉन 84। अब क्वेश्चन में लिखा है दोनों इक्वल मोल्स को ले गए, दोनों को इक्वल रखो, इक्वल रखकर एक्स की वैल्यू सॉल्व कर दो, कर लिया सॉल्व। अब आप इक्वेशन बनाओ, एक इक्वेशन तो सोडियम कार्बोनेट को HCl न्यूट्रलाइज कर रहा है NaCl प्लस वॉटर प्लस CO, दूसरी इक्वेशन में NaHCO3 को न्यूट्रलाइज कर रहा है NaCl प्लस वॉटर प्लस CO। यहां पर Na2CO3 के एक मोल को दो मोल HCl न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो जितने मोल्स आपके पास आए थे उसे कितने मोल न्यूट्रलाइज करेंगे। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट में भी करो, वन को वन न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो जितने मोल्स हमारे पास आए उसे कितने न्यूट्रलाइज करेंगे, तो आपके पास HCl के टोटल मोल्स आ जाएंगे। टोटल मोल्स, जब टोटल मोल्स आ गए HCl के, HCl की मोलैरिटी पता है, मोल्स पता चल गए, वॉल्यूम निकाल लो, सिंपल, ठीक है। अब आप करके देखना, अभी भी ना समझ में आए तो पूछ लेना, जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए आप सॉल्व करिए, जो आपकी कॉमन प्रॉब्लम होगी वो हम यही डिस्कस करेंगे। अभी हमने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, दैट इज वेपर प्रेशर, इसको ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, उसे ध्यान से कर लेना, पढ़ लेना, तब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।